कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम लोग क्लास थर्ड की जो न्यू बुक आई है मृदंग उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे कलर्स चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कलर्स कलर्स के पहले ही ये जो पोयम है कलर्स उसके पहले ही यहाँ पे कुछ पिक्चर रीडिंग दिया गया है पहले हम उसे रीड करेंगे अच्छे से समझेंगे पिक्चर रीडिंग क्या होता है फन विद फ्रेंड्स पिक्चर रीडिंग एक पिक्चर होती है उसमें एक अच्छी स्टोरी होती है स्टोरी को आपको डिस्क्राइब किया जाता है कम से कम शब्दों में आपको खुद समझना होता है कि पिक्चर क्या क्या स्टोरी कहना चाहती है सबसे पहले है लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी ओके पहले हम लोग पिक्चर स्टोरी को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे समझेंगे कि ये चीज पिक्चर क्या कहना चाहती है लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी ओके चलिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ देखिए आप लोग ये है डक आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी ये डक ये डक के जो बेबीज होते हैं उनके हम डकलिंग्स बोलते हैं ये है हैन हैन के जो बेबीज होते हैं उन्हें हम चिक्स बोलते हैं तो ये है डक और डकलिंग अब क्या कह रहे हैं एक दूसरे से बात करते हैं डकलिंग बोल सॉरी डक्स बोल रही है डक कम डियर हैन लेट गो टू द्लीज फियर ये है कम डियर हैन लेट एस गो विलेज फेयर विलेज फेयर विलेज मीन्स होता है गांव तो बोल दी है गांव फेयर मीन्स होता है मेला तो गांव के मेले में हम चलते हैं कि पूछ रही है जैसे आप अपने फ्रेंड को पूछते हो कि हम आज घूमने वहां जा रहे हैं तो क्या आप चलोगे तो वो ही इसी तरह से ये दोनों फ्रेंड्स हैं तो पूछ रही है डक्स हैं से क्या आप तुम मेरे साथ विलेज फेयर चलोगे अब देखते हैं हैंड क्या जवाब देती है ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स बोलती है ठीक है चलेंगे मैं अप, मैं अपने अपने चिक्स, चिक्स मतलब ये जो है, इसको चिक्स बोल रही है। मैं अपने विक्स को पहुंचाती हूँ अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है ये देखिए ये हैं, हैं के बेबीज और ये डक और ये डकलिंग्स सब साथ चल रहे हैं कम गो अब ये बोल रही है काम अपने बेबीज को बोल रही है क्योंकि एक बेबीज क्या है दो तो इधर आ रहा है देखिए एक उधर जा रहा है तो बोल रही है नहीं तो ये अपने बेबीज को क्या बोल रही है काम डकलिंग लेट अस गो देख रही है क्लियरली पिक्चर चलिए अब नीचे पिक्चर में क्या है वी हैव रीच द स्ट्रीम अब कौन बोला डक देखिए कौन बोला है ये रहा एक छोटा सा डकली ये बोला वी हैव रीच द स्ट्रीम बोल रहा है मैं हम पहुंच गए स्ट्रीम में देखिए जो स्ट्रीम है स्ट्रीम मतलब होता है नदी से जो छोटा होता है नहर टाइप के उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम नदी से छोटा होता है थोड़ा तो उसको बोले स्ट्रीम तो बोले है कि हम नदी स्ट्रीम के पास पहुंच गए हैं अब देखिए जो चिक्स है वो क्या बोला है आई कैन नॉट स्विम हाउ सैल वी क्रॉस द स्ट्रीम बोला है हम तो स्विमिंग करना नहीं जानते हम तो तैरना नहीं जानते तो हम कैसे इसको क्रॉस करेंगे स्ट्रीम को तो बताइए कैसे करेंगे क्योंकि जो डक होती है वो पानी में अच्छे से स्विम कर लेती है लेकिन हैंड पानी में अच्छे से स्विम नहीं अच्छे से क्या कैसे भी स्विम नहीं कर पाती है तो देखिए डक डक क्या करती है डक बनाती है एक प्लान डक बोलती है आई अ प्लान चलिए भाई क्या प्लान है देखते हैं तो आप लोगों को नीचे पिक्चर में आप लोगों को क्लियरली प्लान दिख रहा होगा जो डक था डक थी उसने अपने को बिठाया बैक पे और राइड किया और यहाँ पे डकलिंग्स ने चिक्स को अपने बैक पे बिठा के राइड किया चलिए भाई ये आप लोगों को देख किया क्या प्लान था डक का डकलिंग्स और चिक्स का नेक्स्ट है हमारा नाउ डिस्कस विथ योर फ्रेंड ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने के लिए नहीं होते सिर्फ डिस्कस करने के लिए होते हैं और लिखना चाहे कॉपी में तो लिख भी सकते हैं पहला है हमारा हाउ मैनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर आप लोगों को कितने डकलिंग्स और चिक्स पिक्चर्स में दिखाई तो दे आप लोग क्लियरली दिख रहे होंगे थ्री डकलिंग्स और थ्री चिक्स तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिख सकते हैं वी कैन सी थ्री डकलिंग्स एंड थ्री चिक्स इन पिक्चर या फिर शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थ्री एंड थ्री चिक्स क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है क्या करना ज्यादा बड़ा करके आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं थ्री डकलिंग्स एंड चिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड हाउ डू यू नो डक और हैन फ्रेंड थे अब एक बात बताइए जब डक ने पूछा हैन से कि माई डियर हैन यू लेट यू गो विलेज फेयर तो क्या बताइए आप किसी अजनबी से पूछेंगे कि आप तुम तो मेरे साथ घूमने चलोगे नहीं ना हम हमेशा अपने जो फ्रेंड होते हैं उन्हीं से तो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ घूमने चलोगे तो जाहिर सी बात है वो फ्रेंड थे तो लिख सकते हैं यस दे आर फ्रेंड तो हम ऑनली लिखेंगे यस yes. ओके okay? आप पूछ रहे हैं हाउ डू यू नो आपको कैसे पता चला कि ये फ्रेंड है तो लिख सकते हैं इसमें बिकॉज डग हेल्प द हर एंड लिखेंगे बिकॉज द ड हेल्प हर इतना पर्याप्त है लिखने को और भी लिख सकते हैं चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम चली छोड़ी इतना पर्याप्त है आप इतना ही रखिए हाउ डिड द हैन एंड द द चिक्स क्रॉस स्ट्रीम हैन ने और चिक्स ने कैसे क्रॉस किया था स्ट्रीम को तो लिखेंगे यहां से आंसर लिखेंगे पहले द हैन एंड द चिक क्रॉस द स्ट्रीम बाय राइडिंग ऑन द बैक किससे कहां पे बैठे थे वो तो लिखेंगे स्ट्रीम के बाद बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द डक एंड इट्स डकलिंग ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड क्या आपने कभी किसी फ्रेंड की आपने हेल्प की है तो ये yes, ऑफकोर्स की होगी नेक्स्ट है उसी में हाउ डिड यू हेल्प कैसे की है तो ये आप ये स्वयं डिस्कस कीजिए कि आपने कैसे की है लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिस्कस करना चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं फिफ्थ है डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड आप जब अपने फ्रेंड की किसी की हेल्प करते हैं जैसे मान लीजिए आपने के फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं है इस नहीं ला पाया किसी वजह से घर पे भूल गया तो आप पेंसिल इरेजर शॉर्पनर कलर्स क्रियोन्स ये सब शेयर करते हैं तो आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड की हेल्प करके ऑब्वियसली अच्छा लगता है तो लिखेंगे यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद डर यंग वंस हमें एनिमल्स दिए गए हैं और इधर उनके यंग वंस दिए गए हैं मैच करना है और इनको लर्न करना है साथ में क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो ये लर्न होने चाहिए चलिए डक के जो बेबीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं डकलिंग्स तो कहाँ लिखा है डकलिंग्स ये दिस वन जस्ट अ अट हाँ डकलिंग्स हैन के बेबीज को चिक्स काउ के बेबी को काफ कैट के बेबी को किटन, डॉग के बेबी को पपी ये आपको लर्न होने चाहिए डक डकलिंग्स हैन चेक्स काउ काफ कैट किटन, डॉग पपी इस तरह से रिवाइज करेंगे लर्न हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट चैप्टर कलर्स कलर्स मीन्स होता है रंग रंगीन हमारी दुनिया होती है हमारे चारों तरफ ही आप लोगों को रंग देखने के लिए मिलते हैं बताइए जब आप सुबह आंखें खोलते हैं तो अगर आपके पास फोन होता है तो वो भी रंगीन होता है ब्लैक एंड वाइट तो नहीं होता ना कवर भी अच्छे से लगा रखा है होता है फोन के ऊपर घर की जो दीवारें होती हैं उन पे भी काफ़ी कलरफुल पैंट होता है जिसपे आप बेड पे प्लेटे होते हैं बेड शीट कितनी कलरफुल होती है आपके बुक्स के ऊपर कितने कलरफुल कवर्स रहते हैं तो ये क्या है हमारे आसपास रंग ही रंग है तो इसमें पहले हम रीड करते हैं उसके बाद समझते हैं यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स रेड येलो ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक आई हैव सम टू नेक्स्ट है आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक इफ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक ओके okay, छोटी सी पोयम है देखिए हम समझते हैं ये क्या है दो बेबी दो इसमें बच्चे हैं दोनों के पास क्या है कलर्स क्रियोस आपके पास भी होंगे आप लोग भी ड्रॉइंग कलर करते हैं तो इस लड़की के पास भी कुछ कलर्स हैं और इस बोई के पास भी कुछ कलर्स हैं अब ये दोनों क्या कह रहे हैं यू हैव अ फ्यू क्रियंस जो इसके वर्ड्स हैं वो भी मैं अभी आपको पूरे लिख के बता दूंगी यू हैव अ फ्यू क्रियंस बोली है तुम्हारे पास कुछ फ्यू मीन्स होता है कुछ तुम्हारे पास कुछ रेड येलो ब्लू ग्रीन पर्पल ब्लैक कलर्स हैं आई हैव सम टू आई हैव सम टू मतलब मेरे पास भी कुछ कलर देखिए जो बॉय है बॉय के पास है रेड येलो ग्रीन ब्लू पर्पल और ब्लैक और लड़की के पास देखिए गर्ल्स के पास भी है पिंक ब्राउन ग्रे स्काई ब्लू लेकिन इसके पास क्या नहीं है रेड नहीं है तो आप देखिए आगे पूछती आई नीड अ रेड बोल रही है मुझे रेड की जरूरत है यू नीड अ ब्लैक और तुमको ब्लैक की जरूरत है तो इफ वी शेयर अवर क्रियोन्स अगर हम लोग क्रियंस एक दूसरे का शेयर करते हैं और नीड मीस होता है बेटा जरूरत वैसे में अभी अलग से आप लोग को जैसे पहले लिखवाती थी वैसे हर एक के। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ अपने crayons share करते हैं तो क्या हो जाएगा फुल पैक बन जाएगा एक फुल पैक में कितने आते हैं क्रियोन्स के कलर्स या कलर्स के ट्वेल्व कलर तो कुछ इसके पास है कुछ इसके पास है तो ट्वेल्व हो जाएंगे ना काउंट कीजिए जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व बताइए हो गया ना फुल पैक तो बोले हैं कि फुल पैक हो जाएगा चलिए हमारी पोएम खत्म हो गई अब इसके हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो काफी लेंदी है और वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो हम लोग चलते हैं अब मिलते हैं आप लोग ऐसे ही खुश रहिए खेलिए कूदिए मस्ती कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए बाय बाय